आज के दिन ही हम काम करेंगे और फिर भाग जाएंगे गाइस। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आमिर अवान एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। और अभी आपको मैं बता दूं कि मैं जा रहा हूँ खेत की तरफ। मैंने कपड़े पुराने पहन लिए हैं और मैंने जो पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था कि हमने पानी चेक कराया खेतों में, तो हमारा प्रोग्राम बन गया है कि हम एक कुआँ खोदें। तो उसकी खुदाई का काम अभी शुरू करने लगे हैं। मैं जा रहा हूँ खेत में, तो मेरे साथ चलिए। जा रहा हूँ कुएँ वाली जगह पर और मैं आपको बता दूँ कि प्रोग्राम जो बना है वो मेरा और खलील का है। मैं और खलील जो है वो मिलके एक कुआं खोदेंगे। अब देखते हैं कि हम खोद सकेंगे भी या नहीं, लेकिन शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह शुरुआत हो जाए तो काम हो ही जाता है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अभी जाते हैं। मुझे खलील कह रहा था कि मैं पहुंच चुका हूँ खेत में उस जगह पर, तो मेरे ख्याल से वो नहीं गया अभी तक। मुझे उसने झूठ बोला है वो। अच्छा, वो अपने घर के पास मेरा इंतज़ार कर रहा है। अभी मैं जाके उसको कॉल करता हूँ। मैं अभी खलील के घर की तरफ जा रहा हूँ। उसने मुझे कॉल किया है कि औजार मैं अकेले नहीं उठा सकता, तो मेरे साथ आओगे तो मैं औजार लेके आऊँगा। तो पहले उसके घर की तरफ चलते हैं और वहाँ से औजार उठा के फिर जगह पे जाते हैं जहाँ पे हमने काम करना है। सामान उठा लिया हमने, मैंने ये दो चीज़ें उठाई हुई हैं और खलील भी पीछे आ रहा है। खलील, हाँ गाइस, तो हम जा रहे हैं अभी, तो बस आमिर जल्दी करो। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं, अल्लाह करे कि पानी जो है वो चंद फुटों पे आ जाए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने वहाँ पे जाना है, वहाँ पर उस कोने में, और अल्लाह करे कि पानी आ जाए। हम जगह पे पहुँच चुके हैं और ये वाली जगह है जो बाबा जी ने हमें बताई थी कि यहाँ पर पानी मौजूद है, ये वाली जगह है। और इस खेत में भी जगह जगह पे उन्होंने बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर माशाल्लाह से पानी मौजूद है। और उस साइड पे जो खेत है उन जगहों पे भी मौजूद है पानी नीचे, लेकिन हमने जो डिसाइड किया है यहाँ पर हम कुआं लगाएंगे। तो खलील अभी शुरू करते हैं, चलो हम शुरू करते हैं। लेकिन गाइस ये काम जो है वो बड़ों का है। मैंने और खलील ने भी बात किया एक दूसरे के साथ कि ये काम तो वैसे है बड़ों का और हमने शुरू कर दिया है। अब हम इसको कंप्लीट कर सकेंगे या नहीं, या आज के दिन ही हम काम करेंगे और फिर भाग जाएंगे, इसका भी पता नहीं है, लेकिन शुरू करते हैं इंशाल्लाह। क्यों खलील? बस इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ये जो है ना करेंगे गाइस, इंशाल्लाह मुकम्मल ये काम करेंगे और आपको मुकम्मल करके ये कुआं दिखाएंगे इंशाल्लाह। खलील ने कह दिया है, लेकिन अभी हम अब खलील ने कह दिया इंशाल्लाह हम इसे कोशिश करेंगे मुकम्मल करें। तो स्टार्ट करते हैं अभी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अभी ऐसा है कि हम दुआ करते हैं और दुआ करके उसके बाद शुरू करेंगे, ताकि अल्लाह ताला हमें हमारे इस काम में बरकत डाले और जो हम ये काम करने जा रहे हैं इसमें हमें कामयाबी नसीब फरमाए, आमीन। मैंने दुआ ऐसे ही कह दी है, लेकिन चलें तो शुरू करते हैं। तो गाइस अभी हम शुरू करने लगे हैं, बिस्मिल्लाह। ये देखिए, गाइस ये देखें यहाँ से जहाज़ गुजर रहे हैं, जैसे मैंने आपको मेरे ख्याल से पहले व्लॉग में नहीं दिखाया। तो ये देखें
ये जाल जा रहा है यहाँ पर हमारे गांव के थोड़ा सा आगे एक शहर है उसके करीब ही एक एयरपोर्ट बना हुआ है जिसे आप कह सकते हैं इस्लामाबाद न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये वहाँ पर उतरेगा भाई। अल्हम्दुलिल्लाह हम कुआँ अभी खोद रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है और अभी तो शाम हो गई है और खलील जो है वो अभी खुदाई कर रहा है। नीचे पत्थर आ गया था उसके लिए हमने एक और औजार लाया था, उससे हमने पत्थर सारा काटा है तो वो उसके इधर मिक्स हो गया है। ये आपको पत्थर मैं दिखा देता हूँ, ये इसमें पत्थर आया है, ये छोटे छोटे टुकड़े होके अभी इसके अंदर चला गया है तो वो औजार वापस चले गए हैं। अभी हम ये खुदाई कर रहे हैं, थोड़ी सी रह गई है, आज इसको यहीं पर स्टॉप करेंगे। और अब ऐसा है कि मैं खलील जो है वो कह रहा है कि खलील कह रहा है कि मैं नीचे जाऊं और मिट्टी निकालूं, तो अभी मैं मिट्टी निकालने लगा हूं। मेरी ये ड्यूटी लगी हुई है, खलील खोद रहा है और मैं मिट्टी निकाल रहा हूं, तो अभी मैं मिट्टी निकालता हूं। गाइस मिट्टी निकाल निकाल के मिट्टी मिट्टी हो गए हैं, लेकिन इसका अल्लाह करे कि पानी आ जाए तो ये मिट्टी का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई दुख नहीं होगा कि इतनी मिट्टी में हम मिट्टी मिट्टी हुई हैं। यहाँ से भी हमने मिट्टी निकाल दिया और काम को यहीं पर रोक दिया है, ये इधर मिट्टी निकाल गया है। तो अभी ऐसा है कि मैं घर जा रहा हूँ, थोड़ा सा आराम करते हैं और मुँह वगैरह धोते हैं नहाते हैं क्योंकि कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो अभी सिर्फ घर चलते हैं। हमने जितना सोचा हुआ था उससे काफ़ी बढ़ के हमने खुदाई की है और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रेस थी जो बेस्ट रही है। मैंने सोचा था कि इतनी ज़्यादा गहराई में हम नहीं खुदाई कर सकेंगे, इतना ज़्यादा नहीं जा सकेंगे, लेकिन हमने शुरू किया और फिर एक अंकल आए, उन्होंने थोड़ा सा खुदाई की है और उन्होंने तो इस तरह किया कि हमें भी हौसला आया है कि इस तरह वो हमें तरीका पता लगा, टेक्निक उन्होंने सिखा दी है, तो फिर हमने उस तरह खुदाई शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह 4 फीट होगी, 4-4.5 फीट होगी है, तो आहिस्ता आहिस्ता होगी रोज़ाना थोड़ा थोड़ा, अगर जब खुदाई करेंगे तो आपको दिखाएंगे साथ साथ की प्रोग्रेस। अभी घर जाकर आराम करते हैं गाइस। तो मैंने कपड़े शपड़े चेंज कर लिए हैं और नहा लिया है, तो अभी कुछ कंडीशन बेहतर हुई है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे इस वीडियो को, इस व्लॉग को देखा है तो इसे लाजमी शेयर करना है और सब्सक्राइब के बगैर नहीं जाना, बेल आइकन आपने लाजमी दबाना है ताकि मेरी आने वाली वीडियो जो है अपडेट्स कुएँ के बारे में भी आइंदा होंगी। वैसे कुएं के बारे में इन दिनों कुएं वाला काम है तो हम डेली का थोड़ा थोड़ा करेंगे, हमने सोचा है कि 5 फीट एक दिन करेंगे, 5 फीट आज का जो हमारा टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया है, तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा हम करके जो है वो आगे करेंगे। उन्हें बस यही करना है कि मुझे सपोर्ट करते रहना है, 1K जल्दी जल्दी करने हैं सब्सक्राइबर्स। आप लोगों से ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है जी। तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और आप लोगों ने दुआ करनी है, कमेंट में लाजमी दुआ करनी है, अल्लाह करे कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट है छोटा सा हमने शुरू किया है कुएँ वाला, इसमें पानी आ जाए ताकि हमारे जो मोहल्ले में गांव में थोड़ी सी पानी की परेशानी बनी हुई है, गांव की नहीं तो मोहल्ले की थोड़ा बहुत हल हो जाए ये मसला पानी वाला। तो ये हमारे तरफ से छोटी सी कोशिश है, आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, इससे बढ़कर आपने कोशिश नहीं करनी, इससे मुझे सपोर्ट मिलेगी और इंशाल्लाह व्लॉग भी बनाएंगे और इस तरह के अच्छे अच्छे काम भी करेंगे। अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि अच्छे अच्छे काम करें। तो आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि मेरी थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है, अभी नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। गुड बाय।